बिहार है, भारत का मैदान है और यहाँ से तेजस्वी जी युवा के जो दिलों के धड़कन है तेज प्रताप जी तेजस्वी जी हाथ में रोड का है बोले थे सात निश्चय दाल बिचका करके बोला ऐसे करके सात निश्चय हाँ बोला पूरा ढकोसला कहले सात निश्चय नल जल अकेले गेले छल आ पटना बह गए पानी में बताओ ये बोला था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे पंद्रह पंद्रह लाख ए भाई बे क्या उधर भाई कौन चाँ 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 करता है मोदी का आदमी है का जी तो आप प्राइम मिनिस्टर काहे हो गाल फुला के भाई ये बहनों तो एक लालू को जेल की बंद जेल में बंद किया नरेंद्र मोदी भाजपा और नीतीश कुमार हजार लालू घूम रहा है कि ना भाई बोलो ये देखिए तो मोदी ऐसी चित हो जाएगा मकई के रोटी तावा में नीतीश उड़ गया हवा में दांत पूर्वक चलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम पहुंचे हैं बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में है और पटना से हम आपको दिखा रहे हैं चुनावी कवरेज। लेकिन अगर आप बिहार में आए और लालू जी की बात ना हो ऐसा कभी हुआ है? बिहार राजनीति में लालू जी का नाम हमेशा ही याद किया जाएगा, एक ऐसे नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है जिनका नाम मिटाना मुश्किल है। आज हम यहाँ पे आए थे और हमें एक ऐसी शख्सियत मिली है जिससे हम चाहते हैं कि आपकी मुलाकात कराएं और आपको दिखाएं कि ये है कौन। सबसे पहले इनका नाम है कृष्णा, इनको यहाँ पे लोग छोटा लालू के नाम से जानते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और इतनी दूर से उत्तर प्रदेश से आप चल के आई हैं, इसलिए खास करके बधाई कि आप यहाँ आई, बिहार की धरती पर आपका स्वागत है। नहीं, आपकी तबीयत सही है, थोड़ा आपका आवाज दबा दबा लग रहा है तो मैं इसलिए पूछना चाहता हूं। नहीं, अभी तो सही है, अभी चुनाव के मौसम है तो अभी ठीक ठाक न रहना होगा और निरंतर लड़ाई जारी रहेगा इसलिए अभी टनटनाइल है, अभी सो के उठे थे। अच्छा, बताइए छोटा लालू जी, आप क्या कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति इस समय कैसी होती जा रही है और आगे आप लोगों का क्या प्लान है, कैसे आप जो है बिहार की राजनीति को सफल बनाने के लिए काम करेंगे? बिहार है, भारत का मैदान है और यहाँ से तेजस्वी जी युवा के जो दिलों के धड़कन है तेज प्रताप जी तेजस्वी जी हाथ पे तेजस्वी जी यहाँ से जीत रहे हैं और तमाम युवा मिलकर करके माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाने का यही है। और युवा, बिहार के जो युवा हैं उनको पूरे बिहार में सबको रोजगार मिलेगा। पहली कैबिनेट में तेजस्वी जी ने ऐलान किया है, रुकिए ना भाई जाइए उधर, पहली कैबिनेट में हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे, ये तेजस्वी जी बोले हैं और करेंगे आगे। और तेजस्वी जी के लिए निरंतर हम लोग घूम रहे हैं। तो ये बताइए कि आगे आप लोगों का क्या प्लान है, युवा लोगों को क्या कहना चाहते हैं, जो बिहार के युवा हैं उनको क्या संदेश है? एक युवा तेजस्वी जी है और एक युवा ही युवा के दिलों की बातों को समझता है, ज्यादा बेहतर समझेगा। और चुनावी मैदान में हम लोग जा रहे हैं, अभी युवा में तक पूरे युवा में जोश है और जुनून है कि आगे आ रहे भाई तेजस्वी यादव, आप बिहार की गद्दी पर अब युवा ही तेजस्वी जी को बैठाएगा, तब जाके एक युवा की बातों पर असर होगा क्योंकि युवा है, तब रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी हटाओ, देश बचाओ, बिहार बचाओ, तेजस्वी लाओ, ये नारा हम लोग देंगे। अच्छा, अभी की राजनीति जो चल रही है बिहार में उस पर क्या कटाक्ष है आपका? अभी मतलब आपका हम बात पूरा समझे नहीं, पूरा बताइए डिफरेंट में तब ना बताएंगे। नहीं, चाह रहे हैं कि अभी जो सत्ता में बैठे हैं नीतीश कुमार, उनके कार्यकाल से आप लोगों को किस तरह की चिंता है और क्या कहना चाहते हैं? नीतीश इस बार हो गया फिनिश, नीतीश हो गया फिनिश, 15 साल बिहार की जनता 15 साल में करा रही है, बाढ़ है, सुखाड़ है, चमकी बुखार है, अब बिहार की जनता पूरे बिहार में इनको नीतीश को कर देगा फिनिश, अब बीजेपी को कर देगा चीत, हम लोग हो जाएंगे फिट। अच्छा,
तो ये बताइए, आपको एक बात और बता दें कि आप सिर्फ इन्हें इस नाम से ना जानिए कि ये लालू जी की मिमिक्री करके फेमस हो रहे हैं, इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि आप मुझे पहले बताएं, या मेरे दर्शकों को बताएं कि आप सिर्फ एक छोटी मिमिक्री करके आप नहीं जाने जाते, आपको कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा पूरे इंडिया में ड्रामा में टॉप आए थे और बिहार में भी टॉप किए थे, पलटू राम जी से भी मिला। खैर मुख्यमंत्री है, उनका इज्जत करते हैं, ऐसा बात नहीं है। विचारधारा अलग अलग है, विचार के नहीं है, विरोध है। लेकिन बिहार बाल श्री सम्मान, राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान, वैशाली सम्मान, बोधि महोत्सव सम्मान, बिहार दिवस सम्मान, कितना अनेकों सम्मान है, कब तक गिनाते रह जाएंगे। इतना सम्मान है, एक और बात बताएं, सुपर लेना है, अभी लेना है। अभी तो 25% है, अभी 75% बाकी है। जो संघर्ष है वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन आप पहले ये बताइए मुझे कि देश के बेटा, एक अपने एक नेता हैं, वो अपने आप को देश का बेटा कहते हैं, उन पर क्या टिप्पणी है आपकी? बिल्कुल, भारत में जो है उत्तर देश के बेटा, बिहार के बेटा, यूपी के बेटा, तो है तो है, मानेंगे, लेकिन अच्छा कर्म की जगह तो और दिल वाला बेटा बनिएगा। ये अच्छी बात। बिहार में अभी हम जिस रास्ते से आ रहे थे, वहाँ की रोड इतनी खराब थी, 2 बार गाड़ी पंचर हुई है, ठीक है, और दूसरा रोडों में जो पानी है, इससे क्या कहेंगे? तो यही ना नीतीश कुमार से बिहार की जनता पूछ रही है कि नीतीश की सरकार लाचार है, बेरोजगार है, बताओ नीतीश कुमार तुम्हारा रोजगार कहाँ है, रोड कहाँ है? बोले थे 7 निश्चय, दाल बिचका करके बोला ऐसे करके, 7 निश्चय। हाँ बोला, पूरा ढकोसला कैले, 7 निश्चय, नल जल अकेले गेले, छल आ पटना बह गए पानी में, बताओ। तो रोड बह जा रहा है, इनका पुल पुलिया 250 करोड़ के गोपालगंज में बह गया, उद्घाटन से पहले कैंची भिरावे से पहले हंसुआ लग गया। तो ये नीतीश कुमार की तो ऐसे पलटू सरकार को, ऐसे वर्तमान की निकम्मी सरकार को, लालू यादव, सोनिया गांधी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, सारे महागठबंधन के लोग मिलकर के इसको चित करेंगे पलटू राम को, और तेजस्वी जी को बैठाएंगे, इसलिए घूमेंगे। और आपका आपने सही कहा कि रोड कहना है, रोड बनाए तो दुअर पंचर के ना हो गया। एक और बात आपको बताएं, इन्होंने जो है सुपर 30 मूवी में भी काम किया है, तो ये बताइए इसका ऑफर आपको कहाँ से मिला? क्या ये जो आप करते हैं मिमिक्री, इसकी वजह से मिला या आपकी कोई और प्रतिभा है? प्रतिभा जब जो लालू यादव का आवाज निकाले, बिल्कुल प्रतिभावान व्यक्ति होता है और महान नेता है। बिल्कुल, तो ऐसे तो हम प्रधानमंत्री जी का भी निकालते हैं। 36 तरीके का आवाज निकालते नहीं, कम सुने, 58 को। अरे बाप रे, 58 एक दो आवाज और निकाले आप। हम पॉलिटिकल लोग का भी निकालते हैं। नहीं, अब मोदी जी का हो जाए। नहीं देखिए, मोदी जी का विचारधारा अलग है, हम वो विचार में नहीं है। हम प्रधानमंत्री हैं, हम उनको मानते हैं, फिर लफड़ा हो जाएगा, पार्टी हमको धुरमुस कर देगा। अच्छा ठीक है, दूसरे किसी नेता का निकालें? दूसरा नेता है कहाँ, पलटू सलटू सब का कोई वैल्यू है? हाँ, रघुवंश बाबू हमारे बाबा है, डेथ किए हैं, देख रहे हैं कि हम लोग उसमें थे, तो रघुवंश बाबू का निकाले हैं। वो बोले हैं कि भाई तू मेरा पोता है, तो मेरा जाकर के आवाज निकालो। तो हम बोले हैं कि ठीक है बाबा, बाबा को जाते जाते हम कहे तो रघुवंश बाबू की आवाज है कि ओढ़ के मैलो किन्हीं दास कबीरा जतन से, ओढ़े झिनी चदरिया झिनी रे झिनी, 100 टकिया से 10 टकिया बदलने वाला पार्टी है रे भाई, एकर कोई उपाय है? है जदयू और भाजपा बताओ। जी आदमी आईसीयू में भर्ती है, ओकरा कह रहा है कि आमा माई के खिस्सा कह कर, आज जदयू और भाजपा बोल रहा है कि आरजेडी से रघुवंश बाबू हट गए। अरे हम आरजेडी से हटने वाले हैं? बैकवर्ड के हम लोग नेता है, सब जाति धर्म के लोग के नेता है। तो ये रघुवंश बाबू का विचार है, ऐसी बोलते थे। पासवान भाई अभी बेचारे उनका अस्वस्थ है, उनको हम लोग चिंता करते हैं और उनको ये विनती करते हैं भगवान से कि जल्दी स्वस्थ हों। और चिराग जी बड़ा अच्छा अभी स्टैंड ले लिए हैं बीजेपी के कमर तोड़ने के लिए, और निरंतर लड़ाई जारी है, चिराग जी को बधाई हो इसके लिए।
अच्छा ये बताइए, अगर लालू जी समय होते और इस समय युवाओं की जो बेरोजगारी का आंकड़ा सामने आ रहा है, उस पर लालू जी क्या कहते? लालू जी होते तो कहते कि बेरोजगारी ई बोला था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब 15 लाख। ए भाई बैठ जाओ उधर भाई, कौन चाँव 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 करता है, मोदी का आदमी है का जी। तो 2 करोड़ युवा को जो रोजगार बोले थे 15 लाख, और 2 करोड़ बच्चा लोग ठगा गया बिहार के, हमारा नियर लड़का सब नौजवान सब, वो मम्मी लोग को बोला मामी पापा जी 15 लाख। आज वही युवा तेजस्वी जी को जिताने का काम करेगा, और बिहार में नरेंद्र मोदी भाजपा और नीतीश की सरकार को जो डबल इंजन का दोनों फेल, एगो बेल्ट एगो जेल, दोनों फेल, यह नरेंद्र मोदी के खेल। तो ये बात है मेन बेरोजगार बेरोजगारी पर हम लोग बोलेंगे, और मेन यही है युवा सब कह रहे थे गोलगप्पा बेचो, कचौड़ी बेचो, फुलौड़ी बेचो, अरे मोदी जी क्या बोल रहे हो, आप देश के सबसे बड़े लोग हो, आप जो चाहोगे वो होगा, और आप ही कह रहे फुलौड़ा बेचो, कचौड़ी बेचो, बड़ी बेचो, पकौड़ी बेचो। तो आप प्राइम मिनिस्टर काहे हो गाल फुला के भाई ये बहनों, तो ये सब गलत बात है। आप उत्साह बढ़ाइए नौजवान में, प्रधानमंत्री भारत के आप कहते हैं कि हमारा नियर तो होबे ना किया, नोटबंदी अब फलना सब बर्बाद कर दिया ये लोग। तो अब पटना और बिहार के लोग लालू जी को मिस नहीं करेंगे, उनकी यादें जो है वो अब बरकरार रहेंगी, उनकी आवाज जो है वो। ये बताइए आप कितने साल से ऐसी मिमिक्री कर रहे हैं? ये तो माँ सरस्वती बच्चे से भेद दी, ना कोई से सीखे ना कुछ हो, प्राकृतिक है। आप कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं? ट्रेनिंग ड्रामा का लिए है। हाँ, आवाज का नहीं लिए? हाँ, हाँ। आवाज तो नेचुरल है, जैसे आप बोल रहे हैं तो आपको देख के कहे कि अरे इनका आवाज हम निकाल सकते हैं, तो निकाल लिए। हाँ, तो आप बता रहे हैं कि आप इतने तरीके का आवाज निकालते हैं। हाँ। तो ये एक आवाज पे आप मेहनत कर सकते हैं, बाकी कई आवाज पे कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं इस चीज को लेकर? बार बार लगातार उस चीज को, उस आवाज को लेकर के हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, आईना में मुंह चमका के। हाँ। एक बार मैं चाहूंगी कि आप मेरे दर्शकों को जो है बिहार चुनाव के लिए आपका जो भी मोटिव हो, जो भी दे हो, या जो भी मैनिफेस्टो आप लाना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं इस 2020 में बताएं। बिहार के सबसे पहले युवाओं को रोजगार देंगे तेजस्वी यादव जी, और मेन जो जो नीतीश जी ने किया बोला कि इतना जुमला है झारखंड का जिला गुमला है, तो जो जो नीतीश कुमार की फेलियर हुई है हर एक क्षेत्र में रोजगार मेन यही है, भूखमरी का मंजर है, चमकी बुखार और क्या क्या, और बाढ़ बिहार तो ऐसी लाचार है, और इनका पुल पुलिया ऐसी टूट जाता है, स्मार्ट सिटी फलना फलना कितना, नमामि गंगे, तो ये सब पे हम लोग ध्यान देंगे, हर एक सेक्टर में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और सारा सेक्टर में हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे तेजस्वी जी। ये यही मेन मुद्दा है, बेरोजगारी हटाओ, भाजपा भगाओ, तेजस्वी लाओ, बिहार बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और अब मैं आपको भी कहूंगी कि आप जो है अब लालू यादव को मिस नहीं करेंगे, और ये बताइए आप क्या सोचते हैं कि ये एक तरीका है जिससे पार्टी को और मजबूती मिल रही है, और जो युवाओं का जो युद्धा, अरे बोला एक लालू को जेल की बंद, जेल में बंद किया नरेंद्र मोदी भाजपा और नीतीश कुमार, 1000 लालू घूम रहा है कि ना भाई बोलो, ये देखिए तो मोदी ऐसी चित हो जाएगा, ये और से डरेंगे इस आवाज से डरेंगे, लालू जी से डर कब, तब ना लालू जी को बंद कर दिया मोदी, देखा कि अरे बा लालू को बंद कर देंगे तेजा मोदी जीत जाएंगे बन बना के। लालू माने वाला है, और नरेंद्र मोदी को ललकारते हैं, और नीतीश कुमार फलटू राम भस्मासुर उसको ललकारते हैं कि भाई 1000 लालू है गिरफ्तार करो, करो सिंहासन की तैयारी, और बीजेपी करो सिंहासन खाली की जनता आती है। एक बार बक बुड़बक हो जाए, चलिए लालू का बलिदान बस बुड़बक, ये सब तो होते रहता है, लेकिन जो जो बोलते रहते हैं अगल बगल से इन लोग को कहते रहते हैं, वो हंसने के लिए दिल से नहीं बोलते। लालू जी को
लालू जी का एक ये लाइन जो है वो सबके जहन में बैठा रहता है, और जब लालू जी का नाम आता है तो बक बुड़बक जरूर जिक्र होता है। मकई के रोटी तावा में नीतीश सुरगल हवा में दांत बुड़बक चलो। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, मैं हूँ पल्लवी राय, धन्यवाद।